नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के। प्रणाम तेरी शान को, प्रणाम तेरी आन को, करूं प्रणाम तेरे मान सम्मान को, प्राण प्राण को प्राण प्रमाण तेरी शान को, प्रणाम तेरी आन को, करूं प्रणाम तेरे मान सम्मान को, प्राण को प्रणाम करूं हो में तूने राष्ट्र हित, करूं प्रणाम तेरी शक्ति संधान को। और अभी अंगद क्या चाहता है कि जाए जब अंगद जगत से हो राम जी, राष्ट्र धरा ग्रहण करे देना शक्ति प्राण को, माटी का ये तन क्यों ना मिल जाए माटी में, माटी का ये तन क्यों ना मिल जाए माटी में, किंतु आँच आए ना तिरंगे किसान को, किंतु आँच आए ना। ताज नगरी आगरा सहित पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, आगरा के रोहता डब्लू रिसोर्ट के नज़दीक आपको बता दें डब्लू बिंग्स स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर आपको बता दें आज़ादी का संदेश दिया, तो वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए। देशभक्ति के गानों पर छात्र छात्राओं द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर MLC आकाश अग्रवाल रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को पढ़ाई के प्रति पर देश की आज़ादी पर प्रकाश डालते हुए मोटिवेशन किया। वहीं आपको बता दें डब्लू विंग्स के डायरेक्टर राजकुमार चाहर भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर आपको बता दें राष्ट्रीय कवि अंगद सिंह धारिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति के तराने देखिए छात्र छात्राओं के बीच प्रस्तुत किए, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा जमकर तालियां बजाई गईं। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के तरानों के बीच अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी किए। इस मौके पर जानिए क्या बोले स्कूल के प्रिंसिपल विनय दीक्षित एवं महाकवि अंगद सिंह धारिया। मैं विनय दीक्षित डब्लू विंग्स स्कूल का प्रिंसिपल। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देना चाहता हूं। हमारे डब्लू विंग्स स्कूल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आज किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की और मनमोहक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की। इसके कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम तिरंगा यात्रा के साथ शुरुआत की गई। तिरंगा यात्रा जो हमारे बमरौली रोड पर जहां पर हमारा विद्यालय स्थित है वहां से निकाली गई और भव्य यात्रा तिरंगा यात्रा संपूर्ण हुई और कार्यक्रम कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा। और इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का और सभी समस्त देशवासियों का और जो सबका टीचर्स का अपने सभी कोऑर्डिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंगद धारिया समाज सेवी और कवि हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज स्वाधीनता दिवस पर डब्लू विंग्स स्कूल में, जिसके डायरेक्टर राजकुमार चार डब्लू भाई हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के सदस्य शिक्षक खंड से आदरणीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी रहे हैं और साथ में हमारे सभी स्टाफ और विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मैं पहले और आप सहित पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। और आज विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों ने शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो बहुत ही लुभावने और सुहावने थे। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर जो डब्लू विंग्स स्कूल के निदेशक भाई राजकुमार चार जी का, डब्लू भाई का जो प्रयास है इस क्षेत्र में, और आदमी हमारे प्रिंसिपल साहब शर्मा जी, इनके बहुत कम समय में, मैं समझता हूँ कि मैं आगरा के बहुत कॉलेजों में जाना होता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात एक स्टाफ बच्चों के सहित एक पारिवारिक व्यवहार जैसा कार्यक्रम मैंने देखा, जबकि मैं बहुत कम रेयर देखता हूँ CBSE के स्कूलों में कैसा व्यवहार नहीं मिलता है। खासकर आज स्वतंत्रता दिवस पर जो इनका जो आज मैं समझता हूँ कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, बच्चों ने इतनी मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी हैं कि सब छात्रों का अभिभावकों का मन मोह लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस विद्यालय के लिए मैं इस स्वतंत्र तौर पर ये शुभकामना देना चाहता हूँ। चूँकि एडवाइजरी बोर्ड में मैं भी मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं समय समय पर निदेशक महोदय से मेरी बात होती रहती है चार साहब से, लेकिन आज केवल इतना ही कहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो आपका प्रयास है, जो आपकी तपस्या साधना है, जो त्याग है आपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा क्षेत्र बैकवर्ड क्षेत्र में माना जाता था, चूँकि मैं इस क्षेत्र से पार्षद भी रहा हूँ पहले, तो बिल्कुल ऐसा माना जाता कि यहाँ पता नहीं, मैं कभी कल्पना करता सोचता रहता था कि हमारे विद्यालय जो शहरी जैसे विद्यालय हैं वो क्या विद्यालय से हमारे क्षेत्र में खुल पाएंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना जाना चाहता हूँ चार साहब को कि इन्होंने ऐसा विद्यालय खोल करके क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाया है, जिसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शहीदों को श्रद्धांजलि है। इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान शिविर।